नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। क्या होगा इंडिया का भविष्य, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए दर्शकों क्योंकि केजरीवाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पकड़ ली है गठबंधन से अलग राह। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार कर लिया, जिसमें 26 दल साथ आ गए हैं, लेकिन 2024 की रणनीति बनाने की बात तो दूर है। अभी तक इन दलों की आपसी खींचतान ही खत्म नहीं हो पाई है। इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी दिल्ली को लेकर उठा विवाद शांत भी नहीं हुआ कि अब केजरीवाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कांग्रेस को चुभने वाला है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। दोनों का रायपुर में कार्यक्रम है जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। रैली में विधानसभा चुनावों को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गारंटी कार्ड भी दिया जाना है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के आप पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। आपको बता दें कि एक दिन बाद 20 अगस्त को दोनों नेताओं का मध्य प्रदेश के रीवा में भी कार्यक्रम है। रीवा में केजरीवाल और भगवंत मान रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने बुधवार 16 अगस्त को बताया था कि पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो फिर केजरीवाल यानी कि फिर से एक बार गुजरात जैसा खेला करेंगे, कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे और बीजेपी को इसे पूरा फायदा मिलता नजर आएगा। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है और देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये लोग करेंगे क्या। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।